बदलाव लियाना बड़ा जरूरी है और बदलाव का समय आ गया। मैंने लगता है पंजाब दे विच पंजाबियों नूं उन्हां दा हक मिलना बहुत जरूरी है। मुलाकात केड़ी वधिया सी, आम आदमी पार्टी जां कांग्रेस दी? किसी भी पार्टी ना किसी भी लीडर ना नहीं, मैं सोचना चलांगा। जे मैं लगूगा कि मेरी सोच उन्होंने सोचना मिलती है तो मैं उन्होंने डेफिनेटली खड़ा होऊंगा। जे सोच नहीं मिलती तो फर्क नहीं पैंदा कि पार्टी का, मैं नहीं कभी खड़ा मिलूंगा। फेस वैल्यू जी है वो वरतनगे, फेस चेहरा वरतनगे, तुसी फिर पार्टी के स्टार प्रचारक बनोगे या फिर अपनी कली सिस्टर के लिए ही प्रचार करोगे? मैं लगता है कि पंजाब दे विच सारा ना इंपोर्टेंट बेरोजगारी, हेल्थ ते एजुकेशन, ये तीन जड़ियां चीजां जे पंजाब दे विच सेट हो जान तो पूरा नवा पंजाब बन जाएगा। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद मेरे नाल ने, इस समय पंजाब दी सियासत विच काफी सरगर्म ने, काफी हलचल मचाई हुई है। ता इस समय जो वड्डा उन्होंने फैसला किया, ऐलान किया, हालांकि आप ता हले तक नहीं आ रहे पर इना दी सिस्टर ने ओ पंजाब दी सियासत विच एंट्री करनगे, सोनू सूद वल्लों कन्फर्म कर दिता गया, गलबात भी करांगे क्योंकि काफी चर्चावां विच ने पंजाब दी सियासत दे अंदर। सर फिर मुलाकात केड़ी वधिया सी, आम आदमी पार्टी जां कांग्रेस दी? नहीं, दोनों ही बहुत अच्छी सी मुलाकात। आई थिंक दोनों लोग नहीं, और हर कोई बंदा सोच रहा है पंजाब की तरक्की ली, बस उन्होंने इंप्लीमेंट करना जरूरी है। उन्होंने भी मैं विचार सुने और बड़ा अच्छा लग गया सुन के कि एक सोच ऐसी है कि बदलाव लियाना बड़ा जरूरी है और बदलाव का समय आ गया। मैं लगता है पंजाब दे विच पंजाबियों नूं उन्हां दा हक मिलना बहुत जरूरी है और हक मिल हूं आप दवावे। एजेंडा मेन की सी तुहाडा? मतलब देखो मैं जिवे दस्सिया कि सिस्टर भी पलंज लै रही है, हुण उन्हें सोच लिया कि मैं लोगों की सेवा करनी है वड्डे स्तर तो आके। पर मैं हमेशा कहना कि जिहड़ी तुहाडी सोच है उहदे च बदलाव ना आए, थोड़ी सोच वाले होर बंदे नाल जुड़ने जरूरी है। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तुसीं मिलदे हो, लीडर्स नूं मिलदे हो, जो लोगों नूं मिलदे हो, तुसीं जानना चाहुंदे कि उन्हां दी की सोच है, की तुहानूं वो तुहानूं किस तरह देखदे ने लाइफ दे विच, किस तरह देखदे ने कि किस तरह तुसीं लाइफ दे विच लोगों दी जिंदगियां बदलाव लिया सकोगे। आई थिंक उही मुलाकातां ने, एंड आई एम श्योर कि जिस तरह मेरे मदर फादर ने बहुत इस स्टेट नूं दित्ता है, तो डेफिनेटली मेरी जिहड़ी सिस्टर है वो भी बहुत कुछ करेगी। सर कोई पार्टी केड़ी हो सकती है जिस दे विचे शामिल होंगे सिस्टर? देखो जी अजी असीं डिसाइड नहीं कीता, डेफिनेटली मैं कहा कि पहला पार्टी दा नाम नहीं, सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, असीं सोच दी तलाश दे विच है, जिहड़ी सोच साडे नाल मिले ते असीं डेफिनेटली कहांगे कि असीं रल मिल के हाथ फड़ के जावांगे। फिर भी तुसीं एक अपना बनाया माइंड सैट किया भी असीं सियासत दे विच जाना है, कोई तो कोई चेहरा आम आदमी पार्टी जां अकाली दल जां फिर कांग्रेस कोई तो आया होगा तुहाडे च, भी इह पार्टियां जिहड़ियां सही है जां इन्हां नाल गलबात कीती जा सकदी, जां मैं अपने मुद्दे इन्हां इस पार्टी दी स्टेज दे उपरों मैं कह सकदा? मैं जल्द तो जल्द तुहानूं दस्सांगे, असीं आई मीन वी आर वर्किंग ऑन दोज डिटेल्स आल्सो, उस डिटेल्स से भी काम हो रहा, पर जल्द तो जल्द तुहानूं सारे नाल डेफिनेटली शेयर करांगे। आई थिंक वो कहिंदे हौली हौली इक स्टेप अगे चलदे रहो, पहला स्टेप है, अगला स्टेप वाले भी तुसीं नाल ही सानूं अपने नाल खड़े पाओगे। सिस्टर मोगा विधानसभा दे विच होणगे जां फिर कितों भी आउट? वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द डिटेल्स, मोगे च है ही उहदा अच्छा, यू नो सब लोग जानदे ने, बड़ा प्यार दित्ता लोकां ने, बट थोड़े टाइम आंदे उहदियां डिटेल्स ते वी असीं काम करांगे डेफिनेटली। सर हुण तुसीं किसी भी पार्टी च चले जांदे हो, मान लो इन फ्यूचर कितें भी चल जांदे हो, कांग्रेस दा, आम आदमी जां अकाली दल कितें भी चल जांदे हो, ता फिर उन्हां ने ओबीसी भी तुहाडा फेस वैल्यू जिहड़ी है ओह वरतनगे, फेस तुहाडा चेहरा वरतनगे, तुसीं फिर पार्टी दे स्टार प्रचारक बनोगे जां फिर अपनी कली सिस्टर दे लई ही प्रचार करोगे? मैं देखो सोचा नहीं इस बारे, मैं फैक्ट जिन्नियां मेरी मुलाकातां होईयां, जिन्नियां मेरी उन्हां नाल मीटिंग्स होईयां, ओह विजन जानने लई होया कि विजन है पंजाब लई, कि उन्हां दी सोच है पंजाब लई, किस तरह जिहड़े आम लोग सफर कर रहे ने पंजाब च, उन्हां दी जिंदगियां च बदलाव लियाउण लई की उन्होंने स्टैप्स लिते ने, ते ओह आई थिंक फर्स्ट हैंड मीटिंग्स मेरियां उन्हां दीआं इसे लई होईआं, और मे बी कई बार होर मिलांगे, पहचानांगे कि की सोच है, कि किस तरह सोचा मिल सकदियां ने। फिर भी सियासी पार्टियां अपना लाहा तो लैणगियां क्योंकि तुहाडे फेस वैल्यू तो वैसे ही बहुत है पंजाब दे विच, तुसीं कितें भी खड़ जाओगे तुहानूं जिहड़े ओह लोग जिहड़े प्यार करदे ने, जिहड़े लोग भी देखदे ने, ते पोलीटिकल पार्टी जिस नाल तुसीं जुड़ोगे ओह तो चाहेगी भी सानूं पुश अप मिले सोनू सूद दे राहीं। आई थिंक उन्होंने सोच है, उन्होंने सोचना गलत नहीं है। मैंने पता नहीं है, मैं सोचा नहीं, मैं पहली बार तीन सवाल पूछा, मैंने सोचा नहीं, पर मैं हूं सोचूंगा जरूर, बट आई हैवंट थॉट अबाउट इट। लाइक आई सेड कि मैं किसी भी पार्टी ना किसी भी लीडर ना नहीं, मैं सोचना चलांगा। जे मैं लगूगा कि मेरी सोच उन्होंने सोचना मिलती है तो मैं उन्होंने डेफिनेटली खड़ा होऊंगा। जे सोच नहीं मिलती तो फर्क नहीं पैंदा कि पार्टी का, मैं नहीं कभी खड़ा मिलूंगा। सर पंजाब के किहड़े तुहानूं इशू लगदा वी जिहड़े उठाने चाहिए हले तक नहीं उठाए? मैं लगता है कि पंजाब दे विच सारा ना इंपोर्टेंट बेरोजगारी, हेल्थ ते एजुकेशन, ये तीन जड़ियां चीजां जे पंजाब दे विच सेट हो जान तो पूरा नवा पंजाब बन जाएगा।
बेरोजगारी इन्नी है कि उहदे कारण ड्रग्स वधदे है, लोकां कोल है नहीं, छड्ड के जा रहे है, एजुकेशन दा प्रॉपर सिस्टम नहीं, इसलिए छड्ड छड्ड के पंजाब जा रहे, पिंड खाली हो गए है, मां प्यो कले हो गए, उत्थे लोकी सफर करदे है। जे आपां उहनां नूं ओह प्लेटफॉर्म दे दिया, आपां उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, आपां उत्थे उहनां नूं इंडस्ट्रीज दे दिए ताकि लोकी इत्थे ही काम करन, तो बच्चे अपने मां प्यो कोल भी रह सकणगे, तरक्की भी कर सकणगे, पंजाब दा भी भला हो सकूगा, ड्रग्स अपने आप खत्म हो जूगा। तो आई थिंक ये सारियां इंटर रिलेटेड है। और दूसरा एजुकेशन ते हेल्थ, हस्पताल चंगे नहीं है, डिस्पेंसरीज पिंडा च बिल्कुल नहीं है, कोई सेवा केंद्र बंद हो गया, उत्थे लोकी कोई बंदा बैठा नहीं तुहानू दिखूगा। आई थिंक ये सब चीजा पॉइंटर्स बहुत जरूरी है ताकि कोई भी बंदा अनपढ़ जिहदे कोल रिसोर्स ना हो वो किसी भी सेवा केंद्र डिस्पेंसरी जाए, उन्हों दी दवाई मिल जाए, वो बचत कर सके। बीएसएफ दा मुद्दा पंजाब दे विच होया उठिया काफी, विधानसभा दे विच रेजोल्यूशन भी पास किया गया कि 50 किलोमीटर दे दायरे दा जिहड़ा वधाना उन्हां दा बीएसएफ दा, तुसी की लगदा तुहानू वी सियासत तों प्रेरित है जां फिर केंद्र दा फैसला सियासत तों प्रेरित है जां फिर वाकई ही पंजाब सरहदी एरिया तां चिंता दा विषय? आई थिंक पंजाब सरहदी एरिया है, पर पंजाब सरहदी एरिया बहुत सालां तों है, ऐसा नहीं कि अज ही अचानक सरहदी एरिया हो गया, बहुत सालों तों है। और पंजाब दे जिन्हें स्टेट दे जिन्नी सिक्योरिटी सिस्टम ने बड़ी चंगी तरह ध्यान भी रखे है, और डेफिनेटली सेंटर भी आई थिंक देश लिए चंगा ही सोचता है, जे डेफिनेटली उन्होंने कुछ बधाया है तो सोच समझ के बधाया होगा, मे बी शायद मेरी नॉलेज उसके बारे घट हो, पर डेफिनेटली आई थिंक रल मिल के वो ईगोस दे विच नहीं लेना चाहिए कि इंटरफेरेंस है और वो पंजाब नूं खराब करूगा। आई थिंक बीएसएफ भी जो सेंटर तो आंदी है तो डेफिनेटली पंजाब दे लोकां दी और सिक्योरिटी लिए कुछ सोचेंगे। आई थिंक मिल के एक ऐसा फॉर्मूला तय करना चाहिए ताकि जो पंजाब है उस सेफ रह सके। सर एक मिथ भी बनया हुआ, मैं नाम नहीं लवांगा, अक्सर कहते भी फलानी पार्टी चल जाओ सारे पाप धुल जाएंगे जिदा मर्जी, तो मुंबई दे विच भी होया कोई बंदा फलानी पार्टी जांदा है तो उदे पहला रातों रात सारे केस जेड़े है फाइल क्लोज हो जाती है, तुहाडे उपर ईडी दी रेड पई है, माफ करना इनकम टैक्स दी रेड पई है, कितने वह तो नहीं तुहानू लगा यार भी सियासत दे विच कदम जरूरी होना चाहिए क्योंकि रेड जिहड़ी होई है उसका पूरे देश दे विच विरोध होया, तुहाडे काम नू सारे ने सहारिया है, सारे ने दिखा है, पर इस दे बावजूद रेड होना ते तुहानू लगता भी इस दे नाल ही तुहानू चाहे सोचा होवे भी शायद राजनीति विच आना चाहिए, सिस्टम नू समझना चाहिए अंदरों? नहीं, ये नहीं रीजन है, मैं कहूंगा राजनीति आंदा कि तुसी कोई थोड़े स्टेप होए और फिर तुसी सोचो कि मैं राजनीति चाहना। मैं जे कोई ऑर्गेनाइजेशन या ने आके उन्होंने कुछ सवाल पूछे, मैं उन्हें जवाब दिते गए, हर चीज हर एक डॉक्यूमेंट दिता गया, बिकॉज वी आर वेरी क्लीन और बड़े सिस्टम ना असीं चलदे। बट लाइक आई सेड कि बदलाव जरूरी नहीं है कि राजनीति दे विच आके भी हो सकता है, बदलाव असीं हुण बिना राजनीति तो बैठ के बाहर कर ही रहे, हर रोज हैल्प कर ही रहे लोगों की, और हैल्प जारी रहेगी, उहदे च कोई कदी रुकावट नहीं आएगी, और वील मेक श्योर कि सिस्टम छो या ना हो जिंदगी जरूर बदलांगे। तुहाडा फिर कदों एंट्री होएगी सियासत? सर हजे कोई मैं सोचा नहीं, मैं उस बारे हजे कुछ है नहीं, आई थिंक टू अर्ली, बट लाइक आई सेड जदों भी मेरा वड्डा जिंदगी दा स्टेप होगा तुसी सारों नाल पहला मेरे नाल खड़े मिलोगे। तुहाडी सोशल मीडिया ते लोग कमेंट करदे भी तुहानू आना चाहिए सियासत? हाँ, लोग कहंदे ने, बट आई थिंक खुद भी एक बड़ी प्लानिंग ना सोच समझ के स्टेप लेने वाली चीज है। पंजाब दा होएगा जां फिर मुंबई होएगा? हजे सर मैं सोचा नहीं, मैं वही क्या तो थोड़ी सी सलाह लूंगा मैं लेन आन के, पूरे देश दे विच तुहाडी फैन फॉलोइंग है, कितने भी तुसी खड़ सकदे हो? नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक आई विल मेक श्योर कि मिलके थोड़े नाल सलाह करी जरूर लूंगा। थैंक यू सर समा देन दे लई। तां इह सोनू सूद बॉलीवुड अदाकार अपनी सिस्टर नूं जिहड़ा है सियासत विच पंजाब दी सियासत विच उन्होंने उतार दिता है, हालांकि पार्टी केड़ी है किस पार्टी दे नाल जाणगे इह हले विचार अधीन है उन्होंने, क्योंकि यह अंदर बंद कमरे दे विच इह सारे फैसले होणगे, उस तों बाद ही पूरे पंजाब नूं पता चलेगा कि उन्होंने सिस्टर जिहड़े आ उह किस साइड ते जाणगे, किस पार्टी नाल जुड़नगे। हालांकि आम आदमी पार्टी दा ते कांग्रेस दे नाल सोनू सूद मुलाकात भी कर चुके ने, काफी पॉजिटिव भी हुई है, आइडियोलॉजी की हैगी है उह सांझी कीती है, ते की गलबात बनेगी, किस पार्टी नाल गलबात बनदी है समझ देखना होगा। कैमरा पर्सन रिंकू के नाल राहुल काला, जगबाणी टीवी मोका।